हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके गाइडेंस। इस चैनल पे आपको सारी जानकारी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। एंड अगर आप चाहते हो कि इस तरह की अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज हम बात करेंगे OSSC रिक्रूटमेंट के बारे में। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आई है, हर साल नोटिफिकेशन निकलती है। अब हम डिटेल में देखते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ब्लॉक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 151 एंड जॉब लोकेशन होगी ओडिशा। वेबसाइट www.ossc.gov.in। लास्ट डेट है इसकी 8 दिसंबर 2017। इसके पहले आपको अप्लाई करना होगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट बिटवीन 21 to 32 ईयर होना चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2017 के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। एंड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर डिग्री किया है किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी स्ट्रीम में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, देन आप बिल्कुल एलिजिबल हो पोस्ट के लिए। सैलरी इसकी अराउंड 34,800 होगी पर मंथ, काफ़ी अच्छी पे स्केल है। सिलेक्शन प्रोसीजर, पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। एप्लीकेशन फ़ी SC ST NPWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं होगी, फ्री है। एंड जो अदर कैटेगरी में आते हैं जनरल या OBC, उनको 100 रुपये भरने होंगे थ्रू ऑनलाइन मोड। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 9 नवंबर 2017 से। एंड लास्ट डेट है इसकी रजिस्ट्रेशन की, सबमिट करने की एप्लीकेशन 8 दिसंबर 2017 है। तो जो भी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मैच होती है तो आप इससे पहले ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। अभी हम नोटिफिकेशन देखेंगे, जो जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो देख लेते हैं। ये देखिए नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। अभी जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ वो बताती हूँ आपको। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे वेबसाइट पे जाके आपको जो डिटेल्स है वो अपलोड करने हैं, और जो आपके फ़ोटो है और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है और सबमिट करना है। इसके पहले का भी एक वीडियो है, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। आपका जो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर है सब वैलिड दीजिए, बिकॉज उस पर आपको अपडेट्स मिलेगी आगे की एग्ज़ाम डिटेल। जब आप सबमिट करोगे, आई एग्री पे क्लिक करोगे, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। वो एप्लीकेशन नंबर आपको और एज अ यूज़र आईडी आपको यूज़ करना होगा। सो वो आपको सेव करके रखना है, इसलिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आप दोगे वो वैलिड दीजिए। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। लाइक अगर आप PWD, एक्सर्विसमैन या स्पोर्ट पर्सन में आते हो तो आपको उसका डिटेल आपको सबमिट करना होगा, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको साइन किया हुआ एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा। HSC का आपका, प्लस टू का, डिग्री का, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट्स है, वो सब, एज प्रूफ है, एज रिलैक्सेशन के लिए जो भी जिस कैटेगरी में आप आते हो वो सब आपको प्रोवाइड करना होगा। देखिए यहाँ पे वैकेंसी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि किसके लिए कितना सीट रिजर्व किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 85 है, NSC BC के लिए 5 है, SC के लिए 28 है, ST के लिए 33 है, एंड टोटल 151 है। ये दोनों मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए हैं, दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। PWD के लिए 6 है, एक्स सर्विस मैन के लिए 5 है, स्पोर्ट पर्सन के लिए 2 वैकेंसी है। पे स्केल भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अराउंड 34,800 होगा एंड इसकी ग्रेड पे 4,200 होगी। काफ़ी अच्छी है इसकी पे स्केल। एज लिमिट भी मैंने बताया हुआ है आपको। ये देखिए एग्ज़ाम पैटर्न्स का देख लेते हैं। पहले आपका जो प्रीलियम एग्ज़ाम होगा उसमें वो 100 मार्क का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वैसे होंगे, और इसमें अराउंड 1.5 आवर का आपका ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का। और जो इसमें क्वालिफाइड कर जाएंगे फिर वो मेन एग्ज़ाम जो है वो देंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 इसमें आपके मार्क्स कट होंगे अगर आपने कुछ रॉन्ग टिक किया आंसर के लिए। और जो आपका मेन एग्जाम होगा वो 3 आवर का होगा, 200 मार्क का होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप से होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और जो उसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है उसमें जो क्वालिफाइड कर जाएंगे वही मेन रिटन एग्जाम दे सकते हैं। देन उसके बाद में आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा जो कि 1 घंटे का होगा और 50 मार्क्स का होगा। ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा,
कि आपको कितना नॉलेज है कंप्यूटर में, तो उसके बेसिस पे होगा। ओनली द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द मेन रिटन, जो मेन एग्जाम देंगे उसके बाद में ही आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। ओके, देन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा कि जो आपने क्वालिफिकेशन किया है, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपको सब इंटरव्यू वगैरह होने के बाद में उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके सर्टिफिकेट का। ओके, देखिए यहाँ पे इन्होंने डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, लाइक कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ये देख लोगे तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा स्कोर करने के लिए। आप ये सारा सिलेबस देख लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंगली ही अपना प्रिपरेशन कीजिए। देखिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट का भी दिया हुआ है एंड बाकी प्रीलिम एग्जाम्स और मेन एग्जाम का भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मेन रिटन एग्जामिनेशन जो है उसका सिलेबस भी अच्छी तरह से इन डिटेल दिया हुआ है, हर एक टॉपिक दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया है, देन उसके अंदर टॉपिक भी दिया हुआ है, तो आप उस सब्जेक्ट और उस टॉपिक को थरो कर लोगे, उसको क्लियर कर लोगे, तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन हमने देख लिए फ्रेंड्स इन डिटेल, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए। और जो अप्लाई लिंक है, डायरेक्ट लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कीजिए पहले, देन फॉर्म फिलअप कीजिए, ईजी प्रोसेस है। अगर आपका एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन मैच होता है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, पे स्केल काफ़ी अच्छी है इसके लिए, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनकी क्वालिफिकेशन मैच होती है। आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी या हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऑल द बेस्ट।